मौजूद है, सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। अमीर, मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी और उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल खत्म हो चुका है, मुल्क को दरपेश हालात का जिम्मेदार इमरान खान है, क्या आपको ऐसा ही लगता है? हो चुका है इमरान खान का, बल्कि अगर आपको याद हो तो उन्होंने इमरान खान साहब के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले यहाँ तक कहा था कि इमरान खान जब तुम लोगों में निकलोगे तो तुम्हें हेलमेट पहनकर निकलना पड़ेगा क्योंकि लोग तुम्हें जूते भी मारेंगे और रोक फेंकेंगे। लेकिन हमने देख लिया कि फिर इमरान खान जब निकले हैं इकतदार से बाहर तो वो पहले से भी ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। यानी इमरान खान जो अनपॉपुलर लीडर था बतौर हुक्मरान, वो ऑपोजिशन में आज उसकी पॉपुलैरिटी को लोग जुल्फकार अली भुट्टो के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज कौन खौफजदा है? वो इमरान खान नहीं है, वो हुकूमत है। आज कौन छटपटाया हुआ है? वो ऑपोजिशन का इमरान खान नहीं, वो हुकूमत की मुस्लिम लीग नून है। आज किस यानी आप यहां तक अंदाजा करें कि जिस मुस्लिम लीग नून के बावजूद यहां पाकिस्तान में उनके लिए अपने मसले हल करना मुश्किल हो रहा है और उनको अपने कायद नवाज शरीफ साहब के पास जाके वहां बैठ के मीटिंग्स करना पड़ रही है, तो फिर मुश्किल में इस वक्त हुकूमत है या मुश्किल में इस वक्त ऑपोजिशन है? इमरान खान का तो जो नुकसान होना था सो हो गया, उनसे इख्तदार छिन गया, इससे ज्यादा उनका क्या नुकसान हो सकता है? उनका तो कुछ स्टेक नहीं है। अब स्टेक तो उस हुकूमत का है जिसने अपनी साख को बचाना है, जिसने अपनी हुकूमत को बचाना है, तो स्टेक जो है वो इमरान खान का तो नहीं है। तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो मजीद बढ़ती चली जाएगी जितने दिन ये हुकूमत के बढ़ते चले जाएंगे। स्टूडेंट्स के जो इश्यूज आएंगे उसका बात देने ना खास्ता या इनडायरेक्टली फायदा जो है वो ऑपोजिशन को होगा, और ये हर दौर में है। यानी ये सिर्फ इमरान वर्सेस नून नहीं है, जब इमरान खान हुकूमत में थे और जब उनकी बैड परफॉर्मेंस होती थी उनके दौर में वाकयात होते थे तो उसका फायदा उस जमाने की ऑपोजिशन मुस्लिम लीग नून को होता था, पीपल्स पार्टी को होता था, और इसी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी ऊपर जा रही थी, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी डाउन हो रही थी। अब जब ये ऑपोजिशन में आ गया इमरान खान, वो हुकूमत में आ गया, तो वही प्रिंसिपल आपको यहां पे भी अप्लाई करना पड़ेगा, और ये वो प्रिंसिपल है कि जो दुनिया भर में होता है। ये थर्ड वर्ल्ड डेमोक्रेसीज में जरा ज्यादा हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है और ये फर्स्ट वर्ल्ड डेमोक्रेसीज में भी होता है। जो हुकूमत होती है वो अवाम की नजर में सबसे ज्यादा नापसंदीदा कमोडिटी तस्वर किया कमोडिटी है, यानी हुकूमत जितने अच्छे काम कर लेती है वो फिर भी अवाम की नजर में डिसक्रेडिट होती है। लोग हुकूमत की नजर में अपने ऊपर एक मुसल्लत करता चीज को महसूस करते हैं, हुकूमत के फैसलों को जालमाना तस्वर किया जाता है, और ऑपोजिशन जो है इसकी तरफ अवाम ज्यादा इंक्लाइंड करते हैं क्योंकि लोगों को महसूस होता है कि शायद ऑपोजिशन हमारी आवाज बनती है। ये माजी में भी ऐसा था और आज इमरान खान साहब की सूरत में भी ऐसा ही है। अच्छा अमीर, उनकी जानिब से मखलूत हुकूमत की भी बात की गई कि मखलूत हुकूमत उस तरह डिलीवर नहीं कर सकती जिस तरह टू थर्ड मेजोरिटी के साथ कोई हुकूमत अगर मुंतखब की जाती है तो वो डिलीवर कर सकती है, और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को जो है वो आवाम आइंदा टू थर्ड मेजोरिटी दें ताकि मसाइल जो है वो हल किए जाएँ। आपको लगता है कि ये हुकूमत जो है वो इंतखाबात जल्द जो है वो करा सकती है, ऐलान कर सकती है? आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है लंदन में। देखिए, एक तो जो उन्होंने ये कहा ना कि मखलूत हुकूमत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती, तो आपने पंगा लिया क्यों मखलूत हुकूमत का? क्या किसी ने आपको कनपट्टी पे पिस्टल रख के कहा था कि मखलूत हुकूमत बनाओ? क्यों पंगा लिया आप लोगों ने? ये जब इमरान खान की हुकूमत थी और इमरान खान अपने फैसलों की वजह से खुद अनपॉपुलर हो रहा था तो ये क्यों पंगा लिया आपने? इमरान खान का गिरता हुआ नजला आपने अपने ऊपर क्यों डेला खुद से? उसको भुगतने देते ना। अवाम के पब्लिक रैथ जिसे कहते हैं, अवामी गैज़ो गज़ब का उसको निशाना, ये पंगा तो खुद लिया आपने, अब भुगते, अब ढाल मत इस्तेमाल करें, अब जवाब मत दें कि ये तो मखलूत हुकूमत है और ये टू थर्ड नहीं है और ये फलानी नहीं है। नहीं भाई, अब ये जो भी है जवाब दे आप है। इमरान खान की भी तो मखलूत हुकूमत थी, इमरान खान को अल्लाह ने टू थर्ड मेजोरिटी दी थी, उसके पास तो सिंपल मेजोरिटी भी नहीं थी। ये मखलूत हुकूमत का ही नतीजा था ना कि इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब, जब उसके इत्तेहादी तो निकल गए, हुकूमत गिर गई। आप अगर मखलूत हुकूमत में परफॉर्म ना करें तो आपके पास जवाब है। इमरान खान जब मखलूत हुकूमत में ताने मारते थे कि निकम्मा है, नालायक है, नाअहल है, डिलीवर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब, आपने वक्त निकाला और हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।